भाई आज के टाइम पे ना हेयर फॉल जो है सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। हेयर फॉल के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जब आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो। और इस वीडियो के अंदर ना मैं एक चैलेंज लेने वाला हूं, जितने भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कैसे आप अपने हेयर को जल्दी रीग्रोथ कर सकते हो, और जो आपका हेयर फॉल हो रहा है कैसे आप उसको स्टॉप कर सकते हो। अगर आपने इसको सेम एज इट इज फॉलो कर लिया ना, हाँ मेरे भाई अगर आपने 30 दिन भी इसको फॉलो कर लिया जो भी मैं आपसे टिप्स बताने वाला हूं, तो गारंटेड भाई आपके विद इन 30 डेज आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपके हेयर चले गए हैं वो दोबारा से रिग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको ना पॉजिटिव रहना है। आप क्या सोचते हो कि यार जहां से हमारे एक बार हेयर चले गए हम वहां पे दोबारा रिग्रोथ नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां से आपके हेयर चले गए हैं आप वहां पे दोबारा रिग्रोथ कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। यार आप ना बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको मैंने बहुत सारी पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि जो भी आप कर रहे हो आपको कंटिन्यूटी के साथ करते रहना है और पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपकी बॉडी भी आपको पॉजिटिव सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। अब मैं आपसे बताने वाला हूं कि क्या-क्या वो टिप्स हैं कि जिसकी हेल्प से आप अपने हेयर को दोबारा से रीग्रोथ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो। आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना। जो भी मैं आपसे टिप्स बताने वाला हूं सारे टिप्स जो है नेचुरल रहने वाले हैं और आपको सेम एज इट इज फॉलो करना है, और भाई उसके बाद देखना आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 1 month यानी कि 30 डेज में आपका हेयर फॉल कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आप लोगों से बता दूं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है हेयर रिग्रोथ करने वाली वीडियो का। इसके बाद जो है हम सीरीज अपनी लाने वाली है, जैसे सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में मैं आपसे बताऊंगा कि आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखनी है, आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या खाना है, कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल रखनी है ताकि जो आपके हेयर हैं वो दोबारा से जल्दी रीग्रोथ हो सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो बेल आइकन का जो आपको घंटा मिलेगा उसको प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं ताकि वो आप लोगों तक पहुंच पाए। और इस वीडियो का एम लाइक है कि यार अगर इस पे 1K लाइक हो जाते हैं और 50K व्यूज हो जाते हैं तो जो हमारा सेकंड पार्ट है इस सीरीज का, जो हमारी 3.0 हेयर रीग्रोथ जर्नी होने वाली है, तो सेकंड पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी लाइफस्टाइल हमें कैसे रखनी है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, तो वो वाली वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। वो क्या है, हमने ऑलरेडी शूट करी हुई है। तो प्लीज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यार आप लोग क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, उससे क्या है कि जो वीडियो हम रेडी करते हैं आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाती। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो। और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, एक हम अलग से ग्रुप रेडी करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, आपको हेयर रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, बीएड से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, जो हम सीरीज धीरे धीरे लाने वाले हैं और जो पहले हमने वीडियो अपलोड करी हुई है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल लेवल पर जो हमारी टीम है वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने वाली है और जो टिप्स है आपको बताने वाली है। और भाई मैं आपसे भारी भारी बोल रहा हूं, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कर देना और लाइक जरूर करना अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, और 50 के अगर इसमें व्यूज हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो हम सेकंड वाला पार्ट अपलोड करने वाले हैं। और भाई बहुत ज्यादा रिसर्च करी है मैंने पर्सनल लेवल पर, देन उसके बाद में आप लोगों को ये जो भी वीडियो के अंदर टिप्स है वो सजेस्ट कर रहा हूं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं ना बालों के झड़ने का यानी कि हेयर फॉल का, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे कि पोल्यूशन, उसके बाद हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हेयर फॉल के। लेकिन जो सबसे मेन रीजन है वो है हमारा डाइट, मतलब अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं, तो हर एक न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर काम रहता है। बहुत सारे न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर न्यूट्रिशन रहते हैं अगर वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए यानी कि कमी हो जाए उनकी, तो जो हमारे बाल हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं यानी कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। जो आपके हेयर हैं वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वहां पे डैंड्रफ भी
होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डैंड्रफ बहुत बड़ा रीजन है अगर हमें बहुत सारे जो मतलब मेन न्यूट्रिशन है उनकी कमी हो जाती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं ऐसे वो कौन से 6 न्यूट्रिशन है जिनकी वजह से जो है हमारा हेयर फॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और अगर आपने उनकी कमी को पूरा कर दिया तो डेफिनेटली भाई मैं लिख के दे सकता हूं कि जो आपका हेयर फॉल है वो कंट्रोल में भी आना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने हेयर को दोबारा से रिग्रोथ भी कर सकते हो। तो चलिए डिटेल में जानते हैं ऐसे कौन-कौन से वो न्यूट्रिशन है। सबसे पहला जो हमारा न्यूट्रिशन है वो है हमारा बायोटिन यानी कि विटामिन B7। ये क्या करता है, हमारे हेयर को स्टिमुलेट करता है, हेयर की थिकनेस बढ़ाता है, और जो आपने सुना होगा कि जो हमारे नेल्स हैं और जो हमारे हेयर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है केराटिन, मतलब हमारे जो नेल्स हैं और हमारे हेयर हैं वो एक बायोटिन से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं केराटिन। तो ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर बायोटिन की कमी पूरी करनी है तो आप क्या कर सकते हो, नट्स खा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप एग कंज्यूम कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग आप नॉर्मली खाते हो तो आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मतलब कि फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं जिनसे हम विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। डेफिनेटली जो आपके हेयर हैं वो जल्दी से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे यानी कि ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करें जो हमारा सेकंड न्यूट्रिशन है वो है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी हम अपनी बॉडी के अंदर पूरी कैसे कर सकते हैं, आप कैरेट खा सकते हो, आप स्वीट पोटैटो खा सकते हो, एग खा सकते हो, उसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी के अंदर जो विटामिन ए की कमी थी पूरी कर सकते हो। और मैं एक पर्टिकुलेट वीडियो रेडी कर दूंगा डिटेल में कि कैसे अगर आप अपनी डाइट को पूरा करना चाहते हो, न्यूट्रिशन को पूरा करना चाहते हो, अभी फिलहाल वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं सारे फूड बताने लग गया, सारे फ्रूट्स बताने लग गया। आप मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको एक पर्टिकुलेट डिस्क्राइब वीडियो चाहिए पूरी डाइट से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में। देन उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी। भाई अगर विटामिन सी की भी अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी है तो आपकी स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके बालों की ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो विटामिन सी है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी स्किन में और आपकी हेयर में। तो विटामिन सी की अगर आपको कमी पूरी करनी है उसके लिए आप ऑरेंज खा सकते हो, जिसे हम संतरा बोलते हैं हिंदी में। आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, लेमन मतलब कि नॉर्मली लेमन वाटर पी सकते हो। देन आप आंवला खा सकते हो, जो हमारा ये आंवला है ये क्या करता है, बहुत जल्दी रिकवरी कर देता है विटामिन सी की आपकी बॉडी के अंदर, तो आप ये भी कंज्यूम कर सकते हो मॉर्निंग में, आप डेली रूटीन में आप इसको खा सकते हो। इसके बाद जो हमारा न्यूट्रिशन है वो है हमारा आयरन। हाँ जी, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है तो तब भी आपकी हेयर रिग्रोथ रुक जाती है और जो आपके हेयर हैं वो जल्दी से बूस्ट नहीं हो पाते हैं। और एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है, आयरन जो है वो बहुत कम फ्रूट्स में, बहुत कम फूड के अंदर जो पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन है जिसमें पाया जाएगा वो है हमारा पालक। जैसे हम पालक की सब्जी खाते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम बात करें जैसे कि हमारे नट्स हो गए, नट्स के अंदर भी आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आयरन होता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, पालक हो गया। अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी है आयरन की तो इनको रेगुलर वे में कंज्यूम करने के बाद आप अपनी बॉडी के अंदर पूर्ति कर सकते हो आयरन की। और हाँ, पालक के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगा आयरन। ड्राई फ्रूट्स भी आप डेली लाइफस्टाइल में कंज्यूम कर सकते हो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ आप ले सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आयरन भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी है तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप अगर सही तरीके से कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपके हेयर जो है वो बूस्ट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे और रीग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद जो न्यूट्रिशन है वो है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 भी बहुत जरूरी है आपके हेयर के लिए। वो आप कहां से कंज्यूम कर सकते हो, तो विटामिन जो B12 है आप उसकी कमी पूरी कर सकते हो अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में मिल्क ऐड कर दिया। देन उसके बाद हम बात करें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि चीज है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या करते हैं कि फिश ऑयल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिश को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या है, उसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हो। और सबसे लास्ट जो हमारे पास न्यूट्रिशन है वो है विटामिन डी। यार एक स्टडी में मैंने पढ़ा था, जब मैं नॉर्मली रिसर्च कर रहा था, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो चुकी है तो डेफिनेटली जितने भी सारे न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में कंज्यूम नहीं होंगे।
समझ रहे हो बात को। तो ये चीज मैंने फैक्ट पढ़ा था कि विटामिन डी जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी के अंदर कमी है तो आप क्या क्या ऐसी चीज है वो खा सकते हो जिसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जो विटामिन डी है वो उसकी पूर्ति कर सकते हो। तो आप मशरूम कंज्यूम कर सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो जिसे हम संतरा बोलते हैं। देन उसके बाद हम बात करें आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर, जैसे कि और मैंने न्यूट्रिशन बताया, मिल्क को ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे हैं। तो आप अपनी बॉडी का नॉर्मली जो हम बोलते हैं, जैसे कि आप अपने ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से न्यूट्रिशन की आपकी ब्लड के अंदर कमी है। देन उसके बाद हम बात करें, जितने भी मैंने आपको न्यूट्रिशन बताए हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ही ऐड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ बिजी है, बिजी लाइफस्टाइल है। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली जो भी नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, नेचुरल जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, या फिर नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, आप वहां से बाय कर सकते हो नेचुरल सप्लीमेंट। उससे क्या है कि जो नेचुरल बायोटीन है वो आपके हेयर को जल्दी से रिग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यार जो हमें हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम टाइमली चीजों को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। बट जो नेचुरल जो हमारे पास बायोटीन है, आपको क्या करना है, नॉर्मली एक टैबलेट लेनी है, उससे आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सारे न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे उनकी पूर्ति होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद हम बात करें, एक ऐसी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं जो एक ड्रिंक जो आपको मॉर्निंग में कंज्यूम करनी है, आपको मॉर्निंग में डेली पीनी है। तो डेफिनेटली मैं लिख के कह सकता हूं भाई जो आपके हेयर हैं वो जल्दी से रीग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको एक आंवला लेना है, नॉर्मली एक आपको आंवला लेना है, देन उसको आपको कट करना है। कट करने के बाद आपको उसके एक ग्लास में डाल लेना है। देन उसके बाद आपको उसके अंदर थोड़ा सा अदरक, जिसे हम जिंगर बोलते हैं, थोड़ा सा अदरक आपको ऐड करना है। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है आपको, थोड़ा सा उसके अंदर हनी ऐड करना है। देन उसके बाद हम बात करें कड़ी पत्ता, जैसा आपने नाम सुना होगा कड़ी पत्ता, उसके आप 3 या 4 उसमें लीव उसमें ऐड कर सकते हो। देन आपको उसके अंदर ऐड करना है वाटर, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा बहुत उसमें वाटर आपको ऐड करना है। देन उसके बाद आपको मिक्सर में आपको उसको मिक्स कर लेना है। ये आपकी एक मॉर्निंग में ऐसी ड्रिंक बन जाएगी भाई, अगर आपने इसको डेली कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, डेली आपने इसको पीना स्टार्ट कर दिया, मैं लिख के कह सकता हूँ आपका जो हेयर फॉल है कंप्लीटली रुकना स्टार्ट हो जाएगा, आपका डैंड्रफ भी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी हेयर फॉल की। देन उसके बाद हम बात करें, ये जो मैं आपको ड्रिंक बताई है, आप मेरे को रिजल्ट बताना 15 दिन के बाद इस वीडियो में आगे कि आपको कितना ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद हम बात करें कि जो आपने ड्रिंक बनाई है इसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो, अगर आपको टेस्ट थोड़ा टेस्टी बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, सोल्ट डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि यार जो हमारी ये हेयर रिग्रोथ जर्नी वाली सीरीज है, तो जो अभी हमने यार ये स्टार्ट करी है हेयर रिग्रोथ जर्नी, तो यार इसका ना बहुत बड़ा एक रीजन भी है और बहुत बड़ा एक विजन भी है। जैसे कि आज के टाइम पे ना हर किसी पर्सन को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो यार हम क्या चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल टिप्स आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल में ला सको। इसके बाद हमारे बियर्ड की भी एक पर्टिकुलर सीरीज आने वाली है। देन हम अपना वेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वेट इंक्रीज करने के लिए मैं खुद पर रिसर्च कर रहा हूँ, नेचुरल जो टिप्स हैं योगा को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं कभी आप लोगों तक नहीं बताता जिसको मैं फॉलो नहीं करता और जो जिसका रिजल्ट मेरे को नहीं मिलता। सबसे पहले मैं उसका खुद पर रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे मैं वेट इंक्रीज कर सकता हूँ नेचुरली, देन उसके बाद मैं आपके लिए सीरीज लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी सीरीज लाने वाली है वो है हमारी हेयर फॉल पे, सारे टिप्स मैं आपसे बताने वाला हूँ, सारी योगा मैं आपसे बताऊंगा, सारी डाइट मैं आपसे बताऊंगा, सारे लाइफस्टाइल मैं आपसे बताऊंगा, और गारंटीड मैं कह सकता हूँ यार अगर आपने सारे टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, डेफिनेटली भाई आप अपने हेयर को पहले से बेहतर बना सकते हो। और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना यार, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे आपको वीडियो कैसी लगी यार, और इंस्टाग्राम पे जो मैंने आपसे बताया था ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां हम पर्सनली मतलब हर एक बंदे की प्रॉब्लम को देखेंगे, देन उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कैसे आपको अपने हेयर को बेहतर बनाना है। और अब हम बात करें यार, अगर आप इस जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हो तो यार आप कहां से हो, जैसे कि हमने पहले जर्नी स्टार्ट करी थी, आप कहां से हो, आपका नेम क्या है, ताकि हमें पता लग सके कि यार लोग कहां से हैं जो हमारी जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं। देन उसके बाद हम बात करें भाई, आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो हमारा आशीष सैनी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा ये चैनल है, ये हमारा एक फैमिली की तरह है। हम क्या चाहते हैं यार अपने इस आशीष सैनी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा एक चैनल है, हम इसको 10 मिलियन तक हिट कराना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द से जल्द हम गेन कर पाएं, क्योंकि यार जब हमारे पास ऑडियंस होगी तो हमारा मोटिवेशनल
इंटरनेशनल लेवल बहुत ही हाई लेवल पे होगा और बहुत सारी रिसर्च जो है हेल्थ के रिगार्डिंग हम आप लोगों तक शेयर कर पाएंगे। बहुत बड़ा विजन है इस चैनल को लेकर, मतलब हर एक बंदे की हेल्थ को बेटर बनाना है, पर्सनैलिटी को बेटर करना है, उसके एटीट्यूड को बढ़िया बनाना है, उसके एट्रीब्यूट्स को बढ़िया बनाना है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी मैंने आपसे टिप्स बताए बताना कि आपको कैसे लगे। और जो आपको ड्रिंक बताई है ये मॉर्निंग में जो आपको पीनी है, 15 डेज बाद आप डेफिनेटली, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको, आप आके बताना कितना ज़्यादा फायदा हुआ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।